करके आवाज को जैसे प्रधान पेडर फाउंड ने पहला कैंप जब लगाया 1907 में जीरा प्राउंड सी, तो वहाँ से होता है उसको समझ आती है। अगरचे वो आदमी मैन था, उसको ये समझ आए कि ये जो यूथ है अगर इसको साथ अटैच किया जाए तो वो बगैर पैसों के आदमी से ज़्यादा अपनी मार्केट की खेत कर सकते हैं। उसने यूथ को अटैच किया, फिर अमेरिका में और फिर दूसरे मुकाम था जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करता वहाँ पर ये मूवमेंट फैली। और फिर इसके जो बेस रखी गई, जो इसके प्रिंसिपल हैं, वो जिनके ऊपर पूरी स्टॉटिक खड़ी है, वो है ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेल्फ। इसको बुनियाद बनाया गया और पूरी दुनिया के लोगों ने जहाँ पर मज़हब मौजूद है वहाँ पर ये तहरीक मौजूद है। पंजाब में ये तहरीक 1912 में स्टार्ट होती है, जब इस हेडक्वार्टर का जो कि अब बाबे पाकिस्तान के नाम से भी जिस जमीन ट्रांसफर हुई 1912 में इसका आगाज होता है। सर डगलस यंग जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे पंजाब के, उस वक्त पंजाब पूरा पंजाब इकट्ठा था, वो इस तहरीक के उन लोगों में शामिल थे जो अपनी अदालत लगाने के बाद मुखैर हजरात को कॉल करते थे कि आप इस मूवमेंट का आगाज़ हम पंजाब में कर रहे हैं तो आप तो इसमें अपना हिस्सा डालें। तो उन्होंने फंड्स इकट्ठे करके यहाँ जनरल वाल्टर खुद बैठते थे वाल्टर अकेडमी में, उनके साथ ये ज़मीन जो कि सामने मेन फ्रंट पे है वो उन्होंने परचेज़ की 1912 में। फिर यहाँ पर इस हेडक्वार्टर का आगाज़ हुआ पंजाब में स्काउटिंग का। और फिर 1937 की बात आती है, लॉर्ड डगन बाबू जो इस तहरीक के बानी थे आर्मी से जिनका ताल्लुक, वो दिल्ली में यहाँ जो वर्ल्ड नेशनल जनवरी थी इंडिया की वहाँ पर आए, लाहौर भी तशरीफ लाए, इस हेडक्वार्टर में उन्होंने स्विमिंग पूल का आगाज़ किया। फिर बाद में क्या में पाकिस्तान की बात आएगी कि वहाँ पर सबसे बड़ा महाजर कैंप पार्टन ने लगा और मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह अक्टूबर 1947 में आप भी यहाँ से शिफ्ट लाए। और इस बिल्डिंग में जिसमें हम मौजूद हैं इसके दरमियान में यहाँ पर तक मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और वो बच्चे और वो ख़वातीन जिन्हें दुनिया में कोई नहीं रह गया था, ये सब में बॉय स्काउट का हॉस्टल था फिजिकल कॉलेज का, तो वो इस बिल्डिंग में वो बच्चे और ख़वातीन रखे गए थे। बड़े दिल गुर्दे वाले आदमी थे मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन वो आँख बका सुनकर उन बच्चों की उन ख़वातीन की वो यहाँ रो पड़े थे कि मेरी कौम को इतने सदमात से गुजर कर फिर ये वतन हासिल करना पड़ा। और यहाँ पर बॉय स्काउट्स चौधरी अब्दुल लतीफ, चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हमारे सेक्रेटरी थे क्या मैं पाकिस्तान के बाद, यहाँ पर वो बॉय स्काउट लाहौर से आते, दरमियान में आबादियाँ कम थी, सारा दिन यहाँ पर सर्व करते, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लाते और आर्मी के लोग यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेंचेस खोलते, कपड़े खोलने का टाइम तो शायद ना था। तो इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द बहुत सी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर वो शहदा दफन हैं जो उस वहादर शहर में मौजूद थे और हैजे की वबा फैली थी जिनको कफन दफन देने के लिए या अलहदा कपड़े खोदने के लिए शायद वक्त नहीं था, तो उनकी मोहब्बत और खुशबू आज भी इस मिट्टी में मौजूद है। मोहम्मद अली जिना ने स्काउट्स की खिदमात को सराहा, बाद में दीगर जो सरबराह आए वो भी इन खिदमात को उन्होंने भी मद्देनजर रखा। वो एक ऐसी तरह हकीकत है कि हमसे ये हेडक्वार्टर ले लिया गया और वो सारी बिल्डिंग की मालिश कर दी गई, ये बिल्डिंग रखी गई कि इसको शायद म्यूज़ियम बनाकर उस बाग पाकिस्तान मोनूमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आप सब साहिबान जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मुख्तसर सी बात, बातें तो इंतहाई ज़्यादा है इस मिट्टी के बारे में, इस सरजमीन के बारे में, लेकिन मुख्तसर सी बात के वक्त की कमी की मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन लोगों ने यहाँ काम किया, मेहनत की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, इस मूवमेंट को तरक्की दे और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं उनकी भी हिम्मत बंधाए और उनकी इज्जत में इजाफा करें। Let's go.